इस वक्त हम मौजूद हैं आसा रोड़ी चेक पोस्ट पर, जहां पर बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है। शासन के निर्देश पर लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा यहां पर चेकिंग की जा रही है। जो बाहरी राज्यों से आने वाली जो वाहन हैं, खासतौर पर दिल्ली और जो यूपी के जो बड़े इलाके हैं जहाँ पर कोविड के जो सबसे ज़्यादा मामले हैं, वहाँ के जो लोग अब उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, उनके पास अगर RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है तो उस RT-PCR की उन्हें जांच करनी होगी। और जांच कराने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर यहाँ पे एक वो कोविड का एक जांच केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे डॉक्टरों की टीम मौजूद है और यहाँ पे जो चेकिंग की जा रही है, कोविड की जांच की जा रही है। और लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मेरे पीछे भी आपने देखा कि किस तरह से जो पुलिस के जो जवान हैं लगातार उन गाड़ियों को रोक रहे हैं। और यहाँ पे जिन लोगों के पास RT-PCR की रिपोर्ट अगर नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर अब उत्तराखंड में अगर आना है तो यहाँ पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी बेहद ज़रूरी है, तभी जा कर के आपको यहाँ पे एंट्री मिल पाएगी, यानी कि प्रदेश में एंट्री मिल पाएगी। और ये वो जगह है जहाँ पर बाहरी राज्यों से सबसे बड़े वाहन आते हैं, सबसे ज़्यादा वाहन आते हैं। खासतौर पर हम बात करें तो जो बड़ी बसें हैं, जो बड़े वाहन हैं, उनका ISBT में उनकी जांच की जा रही है। और यहाँ की बात करें, आसा रोड़ी की बात करें, तो यहाँ पे जो छोटे वाहन हैं, हल्के वाहन हैं, उनमें जो सवार लोग हैं उनको भी रोका जा रहा है और उनकी जो जांच है वो करवाई जा रही है, और उसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। सीधे तौर पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास अगर 20 दिन पहले की रिपोर्ट है तो फिर वो मान्य नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास 72 घंटों की अगर रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है, तो फिर आपको प्रवेश मिल पाएगा उत्तराखंड में। लगातार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के राज्य में प्रवेश को लेकर के अब शासन की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें ये है कि उत्तराखंड पहुंचने के लिए अब आपको RT-PCR की रिपोर्ट लानी बेहद ज़रूरी होगी और 72 घंटों की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, फिर जाके आपको ही राज्य में प्रवेश मिल पाएगा। उत्तराखंड की हम बात करेंगे तो इस समय हम आसा रोड़ी चेक पोस्ट पर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहाँ पर अपना पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो देख रहे हैं। लगातार जिस तरह से लोग अपने जो जांच है यहाँ पे करवाई जा रही है पुलिस की तरफ से, और शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो जांच है वो की जा रही है। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज सिंह है, मैं आजमगढ़ से आया हूँ, UP आजमगढ़। तो आज आपको रोका गया है, कितने लोग आए हैं, कहाँ आपको जाना है? हम तो जा रहे थे घूमने के लिए, जो है तो रास्ते में रोका गया, पूछा गया कहाँ जा रहे हैं आप, तो कहा कि इधर जाना है, तो कहे कि आपको पहले जाँच करवानी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पे आया हूँ। आपको कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही है? बिल्कुल, पहली बार है, थोड़ा डर तो लग रहा है, बट ठीक है। कहीं ना कहीं अच्छा प्रयास है। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है ये चीज़ का। तो जिस तरह से लोग भी मान रहे हैं कि बेहद खास तरह से यहाँ पे जो जांच की जा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है, काफ़ी अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और शासन की तरफ से ये किया गया है कि ताकि यहाँ पे जो लोग आएँ वो सुरक्षित आएँ और जो जिस तरह से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के वो कम हो सकें। अपने सहयोगी राजन बोडोला के साथ हरीश खनेड़ा, समय साक्ष, देहरादून।